शिक्षकों की मांगों को लेकर राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय दुलाडी के छात्र शनिवार को समाहरणालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। साथ ही उपायुक्त से मिलकर शिक्षक की कमी से अवगत कराया और विद्यालय में शिक्षक की मांग की। छात्रों ने बताया कि शिक्षकों की कमी के कारण सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है। कहा, शिक्षक की कमी के बारे में पहले भी अधिकारियों को जानकारी दी गई, परंतु 6 माह बीत जाने के बाद भी इस पर किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया। मेरा नाम विकास विजय है। हम लोग 10वीं क्लास वाला छात्र हूँ। हम लोग 8 महीना पहले कंप्लेन किया गया था कि हम लोग स्कूल में टीचर नहीं है। अभी भी 7 टीचर है, एक प्राइवेट में 8 मिला के, और रहना चाहिए हम लोग का टीचर में हाई स्कूल में 17 टीचर। 8 महीना पहले उन्होंने बोले गए थे, अभी तक कोई टीचर नहीं आया गया। अभी तक हम लोग का ढंग से पढ़ाई नहीं चल रहा, ढंग से पढ़ाई नहीं चल रहा, ऊपर से हम लोग को कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा, और यहाँ पर परीक्षा आगे हम लोग नहीं। अभी बोर्ड हम लोग को देना 3 महीना में, और बचा दे 3 महीना में बोर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग बोर्ड हम लोग क्या होगा। क्या मामला? ये अनुसूचित जनजाति स्कूल के छात्र यहाँ आए थे, तो उनकी समस्याओं को हम लोगों ने सुना। इसमें जो कंसर्न पदाधिकारी हैं, जिला कल्याण पदाधिकारी और जिले के उप विकास आयुक्त भी उपस्थित थे। हम लोगों ने इनके मांगों को गंभीरता पूर्वक सबसे प्रथम सुना, और उसमें से अधिकांश मांगे हम लोग शीघ्र ही पूरा करने की स्थिति में है। उस पर काम भी हो रहा था, अब उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए